नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सड़क सुरक्षा मुहिम के अंतर्गत शहर थाना पलवल के अंतर्गत जीएच मोड़ में थाना कैंप कराल के अंतर्गत श्रद्धानंद चौक पर यह अभियान चलाया गया। टीम ने आने जाने वाले वाहन सवार को हेलमेट का प्रयोग करने, सीट बेल्ट अवश्य लगाने के साथ ही यातायात संबंधी अन्य नियमों की जानकारी दी और कहा कि नियमों का पालन करें, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। यातायात नियमों का पालन करते हुए चल रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर भी सम्मानित किया गया। पुलिस प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सनों की पहल के लोगों ने खूब सराहना की है। इस दौरान थाना कैंप कार्यालय प्रभारी सत्यनारायण, थाना शहर पलवल प्रभारी उप निरीक्षक तेजपाल सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा मुहिम के अंतर्गत एडिशनल एसपी जसलीन कौर, आईपीएस व कुणाल गर्ग सीजीएम पलवल ने संयुक्त रूप से आम जनता को यातायात नियमों के प्रति विशेष अंदाज में जागरूक किया। यातायात नियमों की पालना करने वाले लोगों को गुलाब का फूल देकर वाहन चालक को सम्मानित किया। सबसे बड़ी यातायात नियमों की पालना करने वाले वाहन चालकों को गुलाब दे रही जिला पुलिस की एडिशनल एसपी जसलीन कौर ने बताया कि एसपी पलवल लोकेंद्र सिंह आईपीएस के कुशल निर्देशन और मार्गदर्शन में शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ व सुव्यवस्थित करने के लिए पलवल पुलिस द्वारा समय समय पर अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न संकेतक लगाने के साथ ही स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थाओं में भी छात्र छात्रा को यातायात के नियमों से अवगत कराया जाता है। ये एक ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन है जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और लोकल पुलिस एक दूसरे के साथ मिलकर चला रहे हैं। इसका उद्देश्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना है ट्रैफिक रूल्स के बारे में और उनको फर्दर ताकि वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें और जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको सम्मानित करके हम एक मैसेज देना चाहते हैं हम जन को कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। बच्चों को जिनकी उम्र अभी 18 साल की नहीं हुई है उनको व्हीकल्स प्रोवाइड ना करें और जो भी हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करने में एवरेज सामने आ रही है, रूल को फॉलो करने वाले सामने आ रहे हैं, तोड़ने वाले आ रहे हैं। नहीं, 10 में से 2 लोग ही हैं ऐसे जो कंप्लीट रूल्स फॉलो कर रहे हैं। खासकर टू व्हीलर्स में हमने पाया है कि हेलमेट बिल्कुल 10 में से 2 ही लोग हेलमेट का यूज कर रहे हैं और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि हेलमेट अगर एक्सीडेंट होता है टू व्हीलर पे तो हेलमेट ही आपकी जान बचाता है। तो आपके माध्यम से मेरी आम जन को ये रिक्वेस्ट है बिना हेलमेट पहने टू व्हीलर पे बाहर ना निकलें और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। पुलिस अधीक्षक पलवल श्री लोकेंद्र सिंह के दिशा निर्देश पे सभी ऑटो चालकों का जो पलवल के अंदर हैं, हथीन के अंदर हैं, होडल के अंदर हैं, हसनपुर के अंदर जितने भी ऑटो चालक ऑटो चलाते हैं हम उन सभी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनका डाटा तैयार कर रहे हैं। उनका सभी का रजिस्ट्रेशन, उनका जो डाटा हम तैयार करेंगे वो हमारे पंचकुला कंट्रोल रूम 112 के अंदर सेव होगा। हम जितने भी ऑटो चालकों से मेरी अपील है कि सभी अपने ऑटो के अंदर और बाहर अपनी ऑटो का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखवाएं, अपना मोबाइल नंबर लिखवाएं, अपना नाम लिखवाएं और जो हम इनको यूनिक नंबर देंगे ऑटो का इंडिविजुअल वो भी उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। रात्रि के समय या किसी अचानक के समय कोई महिला या कोई बच्चा ऑटो के अंदर बैठता है, कहीं पर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उनके पास ऑटो के अंदर लिखे हुए नंबर को तुरंत वो अपने मोबाइल से खींच कर अपने परिचित को या पुलिस कंट्रोल रूम में भेज सकते हैं ताकि समय रहते हुए अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो पुलिस उस पर काबू कर सकती है। मेरा सभी ऑटो चालकों से अपील है कि अपना सभी पुलिस ट्रैफिक पुलिस SHO के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जो आप सभी को इसके बारे में अवगत करा दिया जा रहा है मीडिया के माध्यम से और खुद भी रोड के ऊपर खड़ा होकर हम इसको अवगत कराएंगे। आप अपने ऑटो के अंदर बाहर और बैक में ऑटो का नंबर, ऑटो का रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, मालिक का मोबाइल नंबर, अपना नाम मेंशन कराएं ताकि सभी का रिपोर्ट तैयार किया जा सके। सर, पहले भी इस तरह के शुरू किया गया था लेकिन सफल नहीं हो पाया, तो क्या लगता है सफल हो पाएगा? 100% इसको सफल करेंगे, मेरा आप लोगों से वादा है। कब से शुरुआत हुई? इसकी आज से शुरुआत कर दी गई है। जागरूकता अभियान चलाया है, नोटिस भी दिए गए, चेतावनी दी है, ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या इसको हमारे कार्यक्रम जो है ये SP पलवल लोकेंद्र सिंह सर के दिशा निर्देश अनुसार हम चाहते थे कि जो भी ट्रैफिक फाइन है या लोगों में जो अवेयरनेस है वो एक फाइन या पुनिटिव ना होके एक पॉजिटिव कंप्लायंस की तरफ हो, तो इससे हम लोगों के चलान आज ना काट कर इसको नो चलान कैंपेन कहकर पुकार रहे हैं। हम उनके चलान नहीं काट रहे पर हम उनके डिटेल्स नोट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो भी कमियां हैं उनमें अगर उनके नंबर प्लेट नहीं है या अगर इंश्योरेंस नहीं है तो वो हमको उसका कंप्लायंस कर हमें उसके बारे में शेयर करें तो उनका चलान माफ करें। किस तरह से जो है जो फॉलो रूल कर रहे हैं, कितनी उनकी संख्या लगभग आ रही है, ट्रैफिक रूल का फॉलो नहीं कर रहे हैं उसके जो 100% सभी प्रकार से ट्रैफिक रूल्स का फॉलो कर रहे हैं
उनकी संख्या अभी काफ़ी है पर फिर भी सैटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उनको हम खास करके एक रोज के द्वारा उनको हम थैंक यू बोल रहे हैं सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए, और जो नहीं कंप्लाई करें उनके हम डिटेल्स नोट करके उनको एक मौका दे रहे हैं कि वो सभी रूल से कंप्लाई करें। क्या आने वाले दिनों में इस तरह के अभियान चलाएंगे ताकि रोड जी बिल्कुल हमारे एसपी जो है वो और हमारे पलवल पुलिस की पूरी जो टीम है वो उसमें यकीन रखती है कि हम लोगों को पनिशमेंट के द्वारा नहीं परंतु एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के द्वारा हम उनको जागरूक करना चाहते हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स है वो उन्हीं की सेफ्टी उन्हीं की सुरक्षा के लिए है, और ज्यादा से ज्यादा हम इस कैंपेन के द्वारा उन्हें कंप्लाई कराएंगे। कितना असर पड़ेगा इस तरह के कार्यक्रमों से, क्योंकि बिल्कुल रूल फॉलो नहीं करते हैं पलवल जिले में, हेलमेट नहीं लगाता है, नंबर प्लेट। तो हमारा ये जो कैंपेन है ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ टाई अप करके है, तो हमारे पास यंग लॉ स्टूडेंट्स हैं जो लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से जागरूक करके उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बता रहे हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। तो इस प्रकार से आई एम श्योर कि इसका एक बहुत ही होलिस्टिक सा जो अप्रोच है इसका बहुत ही पॉजिटिव आउटकम रहेगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।